जी हाँ दोस्तों, गाजा लबरान के बाद सीरिया में घुसी इजरायली सेना, इलाके पर कब्जे का दावा। क्यों खामोश है असद की फौज, लोगों ने उठाया सवाल। वहीं इजरायल के निशाने पर अब सऊदी अरब, ग्रेटर इजरायल का मंसूबा। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में बताएंगे किम जोंग की बहन ने दी दक्षिण कोरिया को तबाह करने की धमकी, आखिर क्यों भड़का है उत्तर कोरिया। इसी के साथ आपको बताएंगे रूस से पंगा, यूक्रेन में सैनिकों की कमी, सैन्य भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन न करने वालों को पकड़ रही सरकार, राजधानी कीव में छापेमारी। तो दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, गाजा और लबनान पर इजरायली हमलों के बीच सीरियाई क्षेत्र में इजरायली घुसपैठ की खबर ने सीरियाई और अरब मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आग की तरह तेजी से फैलते हुए व्यापक ध्यान आकर्षित किया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इजरायली सेना ने बख्तरबंद वाहनों के साथ दक्षिणी कुनेत्रा के कुदना कस्बे के पास सीरियाई सीमा में दाखिल हो गया और कुछ कृषि भूमि पर बुलडोजर चलाकर कब्जा कर लिया। ये घुसपैठ लगभग 500 मीटर लंबी और 1000 मीटर चौड़ी भूमि पर की गई, जिसे ताराबंदी करके इजरायली क्षेत्र में मिला दिया गया। अल जजीरा अरबी के मुताबिक इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में बहस छिड़ गई। कुछ ने खबर की सच्चाई पर सवाल उठाया, जबकि अन्य ने सीरियाई सरकार की खामोशी को लेकर आश्चर्य जताया। लोगों ने सवाल किया कि क्यों सीरिया ने इस आक्रामकता का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा कई ने असद समर्थकों और विपक्षी गुटों से अपील की कि वो अपने मतभेद भुलाकर इजरायल के विस्तारवादी एजेंडे के खिलाफ एकजुट हो। कई लोगों का मानना है कि इजरायल इस समय का फायदा उठाकर ग्रेटर इजरायल की स्थापना की दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि अधिकांश अरब सरकारें उसके सहयोगी बन चुकी है और रास्ता साफ कर रही है। विपक्ष के समर्थकों ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्या आपको पता है कि इजरायल ने गोलान हाइट्स के पास सीरियाई क्षेत्र के 500 मीटर पर कब्जा कर लिया है, जबकि आपकी सेना अलेप्पो और इदलिब में तैनात है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया कि सीरियाई सेना की ताकत कहाँ है आपकी टैंक, मिसाइलें और लड़ाकू विमान जो आपने अपनी ही जनता को दबाने में इस्तेमाल किए थे। वहीं असद समर्थक मीडिया ने इन खबरों को झूठा करार दिया। उनका दावा है कि ये सब अफवाहें हैं जिन्हें सीरियाई सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से फैलाया जा रहा है। उनके मुताबिक इजरायल की सेना केवल संघर्ष विराम क्षेत्र में सुरक्षा बार लगाने और खाइयां खोदने का काम कर रही थी, जो कि कोई नई बात नहीं है। हालांकि कुछ सीरियाई लोगों ने चेतावनी दी कि इजरायल का यह विस्तारवादी रुख पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। उन्होंने सभी सीरियाई गुटों से आग्रह किया कि वो अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर इस बाहरी खतरे का सामना करें। अल जजीरा अरबी के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में इजरायल ने सीरिया पर सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, जिनका उद्देश्य ईरान की सैन्य उपस्थिति को रोकना बताया गया है। हालांकि सीरियाई सरकार ने कई बार जवाबी कार्रवाई की बात कही, लेकिन आज तक ये केवल एक बयानबाजी बनकर रह गई है। वहीं दूसरी ओर इजरायल के कट्टरपंथी वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री में इजरायल की सीमाओं को दमिश्क तक बढ़ाने की मांग करके व्यापक आलोचना का सामना किया है। ये डॉक्यूमेंट्री यूरोपियन चैनल आरटे द्वारा बनाए गए थे और इसका नाम था इन इजरायल मिनिस्टर्स ऑफ कैबोस, यानी इजरायल के चरमपंथी मंत्री। इस इंटरव्यू में स्मोट्रिच ने कहा कि इजरायल धीरे धीरे बढ़ेगा और न केवल फिलिस्तीनी इलाकों बल्कि जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, सीरिया, इराक और सऊदी अरब तक फैलेगा। उन्होंने ग्रेटर इजरायल नामक विचारधारा का समर्थन किया जो यरूशलम को दमिश्क तक फैलाने की बात करती है। इस बयान के बाद जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इसे खतरनाक और नस्लवादी विचारधारा बताया और इसकी कड़ी निंदा की। ये पहली बार नहीं है जब स्मोट्रिच ने इस तरह के बयान दिए। इससे पहले पेरिस में एक मंच से उन्होंने इसी तरह विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर इजरायल का नक्शा जॉर्डन तक फैला हुआ था, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनी लोगों जैसी कोई चीज नहीं होती। इसके बाद फ्रांस सरकार ने भी कहा कि पेरिस में स्मोट्रिच के दौरे के दौरान उनसे कोई भी आधिकारिक मुलाकात नहीं होगी। अगस्त में स्मोट्रिच ने गाजा को सहायता रोकने का भी समर्थन किया था, ये कहते हुए कि जब तक इजरायल के बंधक नहीं छोड़े जाते तब तक गाजा के लोगों को भुखमरी का सामना करने देना सही होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि
जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग की बहन ने दक्षिण कोरिया को तबाह करने की धमकी दी है। उत्तर कोरियाई नेता की शक्तिशाली बहन ने शनिवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मानव रहित ड्रोन फिर से प्योंगयांग पहुंचे तो सियोल को भयानक आपदा का सामना करना पड़ेगा। इसके एक दिन पहले ही उन्होंने दक्षिण कोरिया पर ऐसे ड्रोन लॉन्च करने का आरोप लगाया था। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिण कोरिया ने प्योंगयांग के हवाई क्षेत्र में 3 अक्टूबर और फिर इसी सप्ताह दो बार प्रचार पैम्पलेट ले जाने वाले ड्रोन भेजे थे। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने शुरू में इस दावे का खंडन किया, लेकिन बाद में दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ ने एक बयान में कहा कि वो इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि उत्तर कोरिया के आरोप सही है या नहीं। किम जोंग की बहन और उत्तर कोरिया के एक प्रवक्ता किम योंग ने कहा कि आरोपों की पुष्टि से सियोल का इनकार का मतलब है कि ड्रोन सैन्य गैंगस्टरों ने भेजे थे। शनिवार देर रात को जारी एक बयान में कहा गया, जिस भी समय दोबारा हमारी राजधानी के ऊपर रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया का ड्रोन देखा जाएगा वो निश्चित रूप से एक भयानक तबाही की वजह बनेगा। उत्तर कोरिया की आधिकारिक न्यूज एजेंसी KCNA ने शुक्रवार को बताया था कि कथित रूप से दक्षिण कोरिया से भेजे गए ड्रोन ने सरकार विरोधी प्रचार सामग्री गिराई थी। KCNA ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और एक गंभीर सैन्य हमला बताया। दक्षिण कोरियाई कार्यकर्ता लंबे समय से किम विरोधी प्रचार वाले पर्चे और अन्य सामग्री के साथ गुब्बारे उड़ा रहे हैं। इसमें के पॉप और दक्षिण कोरियाई टीवी सीरियल वाले USB स्टिक जैसी सामग्री शामिल है, जिसका उत्तर कोरिया ने विरोध किया है। किम जोंग दक्षिण कोरियाई संस्कृति और पॉप कल्चर को खराब मानते हुए इसे अपने लोगों तक पहुंचने से रोकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, यूक्रेन के सैन्य भर्ती अधिकारियों ने राजधानी कीव में सैन्य पंजीकरण दस्तावेजों की जांच के सिलसिले में रेस्तरां, बार और एक कंसर्ट हॉल पर छापा मारा और उन पुरुषों को हिरासत में लिया जो नियम का पालन नहीं कर रहे थे। स्थानीय मीडिया ने शनिवार को यह खबर दी। यूक्रेन के रॉक बैंड ओकियन LG के एक संगीत कार्यक्रम के बाद अधिकारी कथित तौर पर कीव के पैलेस ऑफ सपोर्ट से स्थल पर पहुंचे थे। स्थानीय मीडिया द्वारा प्रसारित वीडियो में कुछ अधिकारी कंसर्ट हॉल के बाहर खड़े दिख रहे हैं और अंदर से बाहर आ रहे लोगों को रोक रहे हैं। फुटेज में ये भी दिखाया गया है कि कुछ पुरुषों को अधिकारी जबरन हिरासत में ले रहे हैं। इसी तरह की जाँच शहर के गुड वाइन शॉपिंग सेंटर और लोकप्रिय रेस्तरा एवलॉन में भी की गई। कीव में इस तरह की छापेमारी आमतौर पर नहीं होती है। ये छापेमारी बताती है कि यूक्रेन को नई सैन्य भर्तियों की सख्त जरूरत है। यूक्रेन में 25 से 60 वर्ष के बीच के सभी पुरुषों को अन्यवाड़ी सैन्य सेवा के लिए पात्र माना जाता है और 18 से 60 वर्ष के पुरुषों को देश छोड़ने की अनुमति नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार खार्किव और निप्रो जैसे अन्य शहरों में भी क्लब और रेस्तरा में छापे मारे गए। यूक्रेन ने इस साल अपनी सैन्य भर्ती अभियान को और तेज किया है। एक नया कानून लागू हुआ है जिसके तहत सैन्य सेवा के योग्य लोगों को अपनी जानकारी ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज करनी होगी। जो ऐसा नहीं करेगा उन्हें सजा का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना ने बुधवार को बताया कि उनके एक ड्रोन ने रूस के एक महत्वपूर्ण हथियार भंडार को निशाना बनाया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।